हमारे पांच आदमी पांच ही मंजिल फंसे हुए, मैं उनको देखने जा रहा हूँ। हाँ, उनसे बात हुई है। साढ़े आठ बजे लगी, अभी कारण का तो स्पष्ट नहीं हो पाया है। वो हमारे पांच आदमी पांच ही मंजिल फंसे हुए, मैं उनको देखने जा रहा हूँ। आपने फोन पे बात की? हाँ, उनसे बात हुई है। फंसे हुए? हाँ, वो फंसे हुए हैं। सबसे वो कर रहे हैं, उनके रेस्क्यू की व्यवस्था की जा रही है। ये बिल्कुल तुरंत फोर्स पहुंच गया यहाँ पे, और जितने भी फायर ब्रिगेड हैं उनको बुलवा लिया गया है, और सेकंड थर्ड फ्लोर की आग कंट्रोल हो गई है। फोर्थ फ्लोर में अभी है, तो लगातार उसकी बुझाने की कार्रवाई जारी है। हम लोगों से उसके पानी के टैंकर को फटाफट पहुंचाना है, जो एयरपोर्ट की फायर ब्रिगेड है वो तकनीकी रूप से सक्षम है, और वो लगातार उसमें सभी लोग जुट के उसमें बुझाने में जुटे हुए हैं। कुछ लोग फंसे भी हुए हैं, कर्मचारियों का इस तरीके से कहना है। उसके लिए एसडीआरएफ की भी टीम गई हुई, अगर कोई अंदर लोग हैं पीए सिस्टम से अनाउंस कराया गया, लेकिन इतनी आवाजें हैं कि अंदर तक पहुंच नहीं पा रही हैं। वैसे तो आज छुट्टी का दिन है, नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कुछ लोग हैं तो उनको भी निकालने की कार्रवाई कर रहे हैं। किन कारणों तक अभी तक पता चला? अभी कुछ पता नहीं चला है। मेन मंत्रालय है, मेन वल्लभ भवन है, प्रदेश का सबसे बड़ा दफ्तर है, फायर के इक्विपमेंट थे कि नहीं हुए? नहीं, लगातार इसमें मॉकड्रिल होती रही है, और पिछले महीने भी मॉकड्रिल हुई थी, तो अभी तो ये बाद में ही कारणों का पता चलेगा कि किस कारणों से आग लगी है। फेल क्यों गई मैम, पता चल पाया? अभी तो हमारा पहला काम यही है कि हम इसको कंट्रोल करें। तो सेकंड थर्ड फ्लोर का हम लोग को जैसे ही पता चला था कि सेकंड थर्ड फ्लोर में आग लगी है, तीसरे माले पे आग लगी है। कलेक्टर से जानकारी ली, और जो जानकारी यही है उसी आधार पर मैंने सीएस से कहा कि वो उसकी मॉनिटरिंग कर ले, आपकी घटना की पूरी विस्तृत जानकारी भी आ जाए। और मुझे बताया गया कि आपको कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन दोबारा ऐसी कोई घटना न हो इसका भी मैंने निर्देश जारी कर दिए। और ये आवश्यक संसाधन के साथ में हमारे कोई पेपर वगैरह कोई जैसी कोई महत्वपूर्ण फाइल कोई कागज न जले इसका भी ध्यान रखें। उम्मीद करूँगा कि दोबारा ऐसी कोई घटना नहीं होगी, इसका निर्देश मैंने जारी कर दिया।